स्टूडेंट्स होंगे उनके सामने मुझे बोलना है, लेकिन यहाँ पर पता लगा कि भी यहाँ तो एक से एक शख्सियत बैठी है, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा TMU की ऑर्गेनाइजेशन को कि मुझे अपने टॉपिक जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर बोलने का एक मौका दिया जा रहा है। और जहाँ तक प्रिंसिपल साहब ने एक खींचना पड़ता है, मैं यहाँ से कुछ फेंकूँ तो हो सकता है कुछ कैच कर पाए कुछ ना कैच कर पाए, लेकिन आपको खींचना पड़ेगा। सेम चीज जैसे हिमांशु यादव जी जब ट्रेनिंग करते थे तब मैंने इनको बताया था कि ठीक है आप आए हो बैठो, मैं तो क्या सिखा पाऊंगा, आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ रहा है इस फील्ड में, आपको सीखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। और ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा मैं आपको, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। कुछ का एडवांस चला जाता है, कुछ का सोच होता है, कुछ और ज़्यादा उसमें सोचे लग जाते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस और कॉमन सेंस, अभी मैं आपको कुछ केस बताऊंगा जिसमें आपको लगेगा भी इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं उस केस के कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगा तो आपको लगेगा यहाँ फॉरेंसिक साइंस यूज हुई नहीं। अचानक एक कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन क्लिक कर गया, मैं टॉपिक पे आता हूँ। मेनी क्राइम जो हम देखते हैं, एक कहावत है बहुत पुरानी, सारा क्राइम तीन चीजों पे डिपेंड करता है, जर जरूर जमीन। अगर आप इस साल के 100 केसेस निकाल लीजिए तो एक आधा बचेगा ठीक है भाई चांस हो गया, अदरवाइज सारे के सारे जर समझते होंगे आप लोग, अच्छा जोड़ू तो समझते होंगे, जमीन जर मतलब पैसा, पैसा जोड़ू जमीन, ये तीन चीज ऐसी है लास्ट में घुमा फिराकर वो क्राइम उसी चीजों पर आकर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये झगड़ा का मोटिव क्या था, ये क्राइम होने का क्या मकसद था। अगर कोई किसी को इस क्षेत्र के इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े जानकार श्री रविंद्र सिंह चौहान जी के रूप में हमारे बीच उपलब्ध हैं, तो मैं संबोधन की शुरुआत आपसे करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे एक्सपर्ट श्री रविंद्र सिंह चौहान जी इस महाविद्यालय के बहुत योग्य और प्रसिद्धि मार्गदर्शक प्रोफेसर नवीन कुमार जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर रवि कुमार जी, मेडिकल साइंसेज से आए डॉक्टर सुरेश चंद जी प्रोफेसर। इन बिगिनिंग एंड द फर्स्ट थिंग इज एज ए स्टूडेंट ऑफ आई फील दैट development of forensic sciences, development of research in forensic sciences is coexistential with development of, तरीके से कहेंगे तो criminal justice is the most potent portion of state, शासन का जो सबसे अधिक मजबूत हिस्सा जो हमारे सामने आता है वो criminal justice system का होता है। आपने कैमरा लगाना शुरू कर दिया तो वो कैमरे को बंद कर देना शुरू किया, तोड़ना शुरू कर दिया, DVR चलाना शुरू कर दिया, या फॉर दैट मैटर डिलीट करना शुरू कर दिया, इससे फोन कॉल से स्वागत हो क्या, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे दूसरे सर प्रोफेसर सुरेश चंद सर जो कि HOD फॉरेंसिक मेडिकल कॉलेज में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ श्री आज के हमारे, मैं उनको वक्ता तो नहीं बोलूँगा, बट हमारे आज हम एक हीरा निकाल के लाए हैं अपने फॉरेंसिक के, क्योंकि फॉरेंसिक जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे लॉ होता है और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो मैं अपने लॉ के बच्चों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करना।